लास्ट क्लास में हमने खत्म करा था वर्क डन बाई वेरिएबल, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स देखे थे कि अगर फोर्स फंक्शन है किसका, पोजीशन का। थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो वर्क डन कैसे निकालते थे, वर्क डन होता था एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, यहाँ x1 से x2 तक, यहाँ y1 से y2 तक इंटीग्रेशन, और इधर z1 से z2 तक, ये कर रहे थे। ठीक हाँ है, सर, अब कभी कभी क्या होता है कि जो फोर्स है वो टाइम का फंक्शन दे देता है। अगर फोर्स टाइम का फंक्शन दे दिया और फिर हमसे पूछे कि वर्क टाइम निकालो तो कैसे निकालेंगे, तो ये नोट में लिख देंगे, इफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, नोट में लिख लो। फोर्स वेरिएबल है और साथ ही साथ जो वेरिएशन दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में। फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम कहने का मतलब फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है। That is F is equal to function of time. मैंने कुछ इस तरीके का देखा, जैसे एग्जाम्पल में देखो F is equal to 10t plus 5, टाइम की वैल्यू अलग अलग पुट करो, 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे केस में हमसे वर्क पूछेगा तो फिर कैसे कैलकुलेट। हाँ, ये 10t plus 5 है, ये एक एग्जाम्पल है जहां बता रहा है कि वर्क इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स, तो अलग अलग। अब उस केस में मैं वर्क निकालू, फोर्स टाइम का फंक्शन, टाइम की वैल्यू चेंज करो फोर्स चेंज हो जाएगी, मतलब वेरिएबल फोर्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। ऐसे केस में अगर वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है वो है बेसिकली एफ डॉट डी एस, यही होता है फॉर्मूला, जो जिसको हम बेसिक फॉर्मूला बोलते हैं। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करोगे क्या देगा, वर्क देगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे टोटल वर्क देगा। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इनटू डीटी। हाँ, क्या करेंगे, इसको करेंगे डीएस बाई डीटी इंटू डीटी। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो हम इंटीग्रेशन अब करेंगे ना वो टाइम के टर्म में कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स किसका फंक्शन है, टाइम का, तो इस बार इंटीग्रेशन भी किसके टर्म में करना पड़ेगा, टाइम के टर्म में ही करना पड़ेगा, ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तो यानी क्या कर सकते हैं, डीटी से नीचे डिवाइड कर दो, डीटी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये डीएस बाई डीटी किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में, चेंज इनटू वेलोसिटी में। वेलोसिटी, यानी अभी वर्क जो आएगा इट विल बी फोर्स डॉट वेलोसिटी, और इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब भी तुम्हें फोर्स देगा, वेरिएबल फोर्स देगा जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, उस केस में तुमको वेलोसिटी भी देगा, या फिर तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आराम से तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स और व्हाट इज द वर्क डन। हो गया, हाँ सर, तो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। देखना, इस टाइप के एक प्रॉब्लम करवाए हैं और करवाएंगे अभी। देखना, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल depends on time, as s is equal to tq by 3, as s is equal to tq by 3, then find work done on the body and find work done on the body by the force which is producing this motion.
मास नहीं दिया है। मास एम ले लो, लिख लो, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, 2 kg एम करो, टेक 2 kg, मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg। ऐसा एक प्रॉब्लम कर रहे हैं तो सेम अप्रोच होगा और ये होना चाहिए। पूजा में किसी ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, सब घूम रहे होते ना। हाँ सर, ग्रुप में ना कुछ कुछ डाउट है ना कुछ सवाल है, सब ऐसे ही 4-5 दिन मस्ती कर रहे हो, है कि नहीं। हाँ सर, कोई ना कोई ना, 11th वाले के पास टाइम है, घूम सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ड्रॉप करें वो नहीं घूमेंगे, उनको पढ़ते रहना। आपने तो लिमिट नहीं दिया है। अच्छा एक काम करो, वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स टू इंक्रीज द मोशन इन इन फर्स्ट 2 सेकंड लिख दो, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो ताकि वर्क टाइम का फंक्शन ना हो, इन फर्स्ट 2 सेकंड लिख दो, ऐसा इन फर्स्ट 2 सेकंड, उसके बाद एक मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg, इन फर्स्ट 2 सेकंड मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg, उसके बाद मतलब यहाँ पे ऐड कर दो, इन फर्स्ट 16 सर, 16 जूल 16, हाँ जिसने भी कैलकुलेट करा होगा। ठीक है चलो समझते हैं अब इसको करना कैसे। अगेन इसमें तुमको फोर्स दिख नहीं रहा, क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ और वो भी किसका, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक ऐसा सवाल मैंने जस्ट करवाया था कि अगर फोर्स डायरेक्ट नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां से वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा कि सबसे पहले देखोगे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तुमको एस इज इक्वल टू दिस एंड मास दिया हुआ है कितना 2 kg, ये दोनों इन्फॉर्मेशन है। वर्क डन निकालना है पहले 2 सेकेंड में कितना होगा, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार क्या मिलेगा तुम्हें, वेलोसिटी मिलेगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिलेगा, कितना मिलेगा, टी स्क्वायर। ठीक है तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा कितना, 2t। अब इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो एम इनटू ए, इट विल गिव 4t एंड दिस 4t इज योर फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये फोर्स क्या है, टाइम का फंक्शन है। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन तुम्हें पता है क्या, अगर जब भी टाइम का फंक्शन लेता है तो वर्क डन निकालते हैं एफ डॉट वी डी टी से। अब एफ डॉट वी टी यहाँ पे है, हमें जरूरत है एंगल की, फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितने का इंपॉर्टेंट है, ये एफ डॉट प्रोडक्ट है। तो एफ डॉट वी का मतलब होता है, एफ डॉट वी वेक्टर का मतलब होता है एफ वी कॉस थीटा। तो यार थीटा कितना लेंगे, देखो सवाल में लिखा हुआ कि यही फोर्स, हाँ यही जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी पे फोर्स लगाया उसी के चलते मोशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो गया। तो यहां से इसको रिप्लेस कर सकते हो एफ वी डी टी में, अब वेक्टर वाला काम खत्म हो गया क्योंकि एंगल जीरो है, तो कॉस थीटा जीरो, कॉस जीरो वन, वन रखोगे तो ये वी डी टी हो जाएगा। एफ की वैल्यू तुमने निकाला है यहाँ से, D का वैल्यू निकाला है यहाँ पे, दोनों को पुट करो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F पुट करेंगे क्या 4t, D पुट करेंगे t स्क्वायर dt। अब बोल रहा है कब तक का कैलकुलेट करना है, पहले 2 सेकंड, पहला 2 सेकंड मतलब t 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 2 तक इंटीग्रेशन, ये बहुत ही सिंपल है, ये t से जाके मल्टीप्लाई होगा क्यूब हो जाएगा और इंटीग्रेशन t 4/4 बचेगा, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, 2^4 -0 मीन 16 जूल। वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, 16 जूल होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, सबको समझ में आ रहा है,
भैया जिसको नहीं समझ में आया, सबको आ गया, हटा दे उसको। एक और सवाल करें, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेक्स्ट सवाल है, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन एज, the force acting on a body is given as given as 2x I cap plus y square j cap newton f kitna 2x I cap plus 2 प्लस वाई स्क्वायर जे कैप न्यूटन एंड इट डिस्प्लेसेस द बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस द बॉडी फ्रॉम 3,2 to 1,0 फ्रॉम 3,2 to 1,0 then find work done by this force इस फोर्स के चलते कितना वर्क डन। यहाँ फोर्स किसका फंक्शन है? पोजीशन का। तो फिर पोजीशन वाले टर्म से सोचें। मतलब जिसमें फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है। आंसर नेगेटिव में आ रहा। हाँ सर, चलो ठीक है। सबका यही है? जैसे ही फोर्स फंक्शन हो जाता है किसका? पोजीशन का। मतलब फोर्स लोकेशन पे डिपेंड करने लगता है। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। लेकिन यहाँ एफ जेड वाला टर्म नहीं है, इसको हटा सकते हो। ये टर्म है ही नहीं, इसको हटा दो। काम किससे बने जाएगा? इन दोनों से हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स की जो वैल्यू वो कितनी है? 2x है। कहां से कहां तक? 3 से। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। तो 3 से 1 यहां से जाके यहां पहुंच रहा है। तो 3 टू 1 इंटीग्रेशन करेंगे प्लस fy की जगह क्या है? y स्क्वायर dy। कहां से कहां तक? 2 से जा रहा है 0, ठीक है ना। लिमिट पे ध्यान देंगे। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो इनिशियल फाइनल इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है इसका। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए सबसे। तो w जो होगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? x स्क्वायर 3 से 1 प्लस इधर क्या आएगा? y स्क्वायर बाई 3, सॉरी y क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 0 तक। वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 1 माइनस 9 प्लस
माइनस 8/3। माइनस एट बाई थ्री, माइनस 32/3। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो क्या? अपोजिट डायरेक्शन में 180 या फिर अपोजिट है। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें होगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वर्क। अभी तक हम जो चीजें कर रहे हैं मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है या फोर्स वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन निकाल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछता है, ग्राफ दे देगा और उस ग्राफ से हमें पूछेगा कि बताओ वर्क डन कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड। To calculate या to find work, अब कोई भी graphical method जो है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा तुम्हारा जो तुमने mathematical meaning पढ़ा है, उस mathematical meaning का application क्या है? graphically। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, we have work is equal to integration f dot ds, ठीक है? अगर फोर्स कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन डीएस एस वेक्टर में चेंज हो जाता, मतलब ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन निकालने के लिए। इसमें फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रॉपर टाइम और पोजिशन का फंक्शन चेक करके, और अगर फोर्स कॉन्स्टेंट होता है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता, चेंज हो जाता एफ डॉट एस वेक्टर में, ठीक है ना? मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है। और मैंने तुमको पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है, जैसे थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास y दिया हुआ है, i दिया हुआ है, i इज इक्वल टू y dx, i कितने के बराबर है? y dx के बराबर है। इसका मतलब होता है एरिया अंडर y वर्सेस x ग्राफ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एडिशन। तो अगर कंटिन्यूअस एडिशन मैंने तुमको समझाया था कि ये एक रेक्टेंगल है, एक ऐसा एक और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल सारे रेक्टेंगल को ऐड करोगे तो वो क्या देगा? टोटल एरिया अंडर द कर्व। कौन किसके कर्व? वाई वर्सेस एक्स एक्स, वाई वर्सेस एक्स का जब ग्राफ प्लॉट करोगे उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेशन। याद है सबको? तो यहाँ पे क्या है ना, वर्क डन क्या है? वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर तुमको ग्राफ दिया हुआ किसका, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, एक एक्सिस पे फोर्स है दूसरे एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और ग्राफ दिया है, उस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालोगे पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो उस रेंज में कितना वर्क डन हुआ है ऑन द गिवन बॉडी वो दे देगा। ठीक है, तो नीचे लिखना, मैं नीचे लिखना वर्क डन इज, वर्क डन इज एरिया अंडर, वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, जैसे तुम्हें क्या दे दिया, इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट, यस। इसमें भी अगर 1D में है तो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। अगर 2D में है तो दोनों का कॉम्बिनेशन r वेक्टर दे सकता है। 3D में है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, वहां से जो मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया, इस तरीके का ऐसा कुछ ग्राफ आया इधर s, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा, इस ग्राफ से जो एरिया इंक्लोज होगा इस पे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, यहां से जो एरिया इंक्लोज होगा दैट विल गिव यू वर्क डन बाय दिस गिवन फोर्स। फोर्स के चलते कितना वर्क हो रहा है वो,
तो अगर ये एरिया ए वन है और ये एरिया ए टू है, यहां से एरिया तुमने निकाला ए वन, ये एरिया निकाला तुमने ए टू, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी ए वन प्लस ए वन माइनस ए टू, ए वन प्लस ए वन एडिशन होता है लेकिन साइन का ध्यान देकर के, ठीक है ना, साइन का ध्यान देखते हैं। एरिया एवब द एक्सिस, एरिया एवब द एस एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और एरिया बिलो द एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट के नीचे का जो ग्राफ है इसको लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा इट विल बी ए वन प्लस ए वन माइनस ए है ए टू लिख सकते, तो ग्राफ से तुमको दिख रहा है कि ए टू विल बी नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो सर, बट वर्क तो सर स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है बट एफ डॉट एस अगर करोगे, एफ डॉट एस मे बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ये एफ और एस दोनों पॉजिटिव कहने का मतलब है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। फोर्स नेगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल है वो कितने का हो गया? 180 का हो गया। तो जब भी एंगल 180 का होगा ये वर्क डन नेगेटिव आएगा। ऐसा मैंने थोड़ा बोला कि वर्क डन इज नेवर नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। वर्क डन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब होगा? व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में सेम डायरेक्शन है। तो फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव। यहाँ पे अगर देखोगे एरिया तुम कैलकुलेट करो, बस फोर्स जो है वो क्या है? नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव है क्योंकि नीचे है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव। ओके सर, हो गया? हाँ सर। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, वर्क डन वहां से कैलकुलेट कर सकते हो डेफिनेटली, अगर तुम्हें टाइम इंटरवल या डिस्प्लेसमेंट का जो भी गैप हो देख के रखा है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्क डन अप टू 7 सेकेंड, सॉरी 7 मीटर,
होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो वर्क डन निकालने को बोल रहा है, इनडायरेक्टली तुमसे क्या बोल रहा है, एरिया निकाल दो। 55/2 आ रहा है, 2 जूल सर, 55/2 जूल। चलो ठीक है, समझते हैं, जिससे नहीं हुआ उसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि तुमको सारा एरिया ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ एरिया अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा, हम वो ग्राफ से ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कैलकुलेट करके अलग से तुमको फिर माइनस करके लिखने की जरूरत है। ग्राफ को देखोगे ना तो तुमको एक चीज देखेगा कि ये जो एरिया ये नेगेटिव में जाएगा। अब हम ढूंढ लेंगे कि ऐसा कोई एरिया है जो इसको डायरेक्टली हम नेगलेक्ट करते हैं ग्राफ में। तो अगर देखोगे ना तो ये एरिया, अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसका जो नेगेटिव टर्म है इस एरिया 2 को खुद खा जाएगा। एरिया 1 और एरिया 2 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखोगे ना ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसका हाइट कितना है 5 है, इसका हाइट 5, इसका लेंथ कितना है 1। ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसका हाइट कितना है 5 है और लेंथ कितना है 1 है। यानी इन दोनों एरिया, इन दोनों इसका एरिया और इसका एरिया निकाल करके ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब इतना ना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बेसिकली तुमको क्या करना है, वर्क डन निकालना है 0 से 5 के बीच में। क्या करना है, वर्क डन निकालना था 0 से 5 के बीच में। आ रही बात समझ में, क्या बोल? अब इसको डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट में, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। वर्क डन जो बेसिकली होगा इट विल बी W1 + W2 + W3। इसमें एक ट्राइंगल है, एक ट्रेपेजियम है और एक रेक्टेंगल है। ये ट्राइंगल अगर देखोगे इट विल बी हाफ इनटू बेस, बेस कितना है 2 है, हाइट कितना है 10 है, 10 प्लस इसका देखोगे ट्रेपेजियम है जिसका पैरेलल साइड के बीच में जो गैप है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया पता है ट्रेपेजियम का भी? बोलो तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनटू देयर डिस्टेंस, सम इनटू बेस, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उसके डिस्टेंस, बीच का पैरेलल साइड का डिस्टेंस। पैरेलल साइड क्या है, सम, देखो ये और ये दोनों साइड पैरेलल है, एक 10 है और एक 5 है, तो 10 प्लस 5 करोगे कितना आ जाएगा 15। इनके बीच का गैप कितना है 1 है, तो इनटू 1 है ना। अब नेक्स्ट ये थर्ड बटा, थर्ड जो है ये एक रेक्टेंगल है इसका हाइट 5 है और लेंथ 2 है, तो 5 इनटू ट्रेपेजियम का एरिया हाफ नहीं होता, हाफ इनटू सम ऑफ हाफ हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू। अब इसको सिंपलीफाई करोगे, आ रहा है 55/2 2 सबका आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा भाई, इधर से 10, इधर से 15 और इधर से 15/2 55/2। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो वही लिख दिया, ऐसा नहीं कि कुछ और आ रहा हो गया। तो इस तरीके का प्रॉब्लम भी पूछ सकता है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। अब थोड़ा वर्क डन से, हमारे पास कुछ नॉन फोर्सेस है, अभी तक जितना हमने फिजिक्स पढ़ा यहाँ तक हमने कुछ फोर्सेस देखे, जिसपे हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन जो है वो फोर्स है दैट कैन डू सम वर्क, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी जो है वो फोर्स अप्लाई करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें दिखेगा वो काम कर सकता है, स्प्रिंग फोर्स हमने देखा, स्प्रिंग फोर्स कुछ काम कर सकता है। तो अलग अलग फोर्सेस है, इसमें पहले हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सा फोर्स वेरिएबल है, कौन कौन सा फोर्स कॉन्स्टेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क डन निकालेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि वर्क डन जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा। हेडिंग लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, ये में देखेंगे पॉजिटिव वर्क।
अब पॉजिटिव वर्क डन होने के लिए जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उसमें एंगल कितना होना चाहिए? एंगल शुड बी जीरो से 90 के बीच में, यानी शुड बी लेस देन 90 डिग्री। जो भी तुम्हारा जैसे हमें वर्क डन देख रहे हैं, वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी एस, या फिर अगर ये फोर्स कॉन्स्टेंट होता ये एफ डॉट एस वेक्टर में चेंज हो जाता। यहाँ से एक फॉर्मूला आता जो तुमको दिखता एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसको पॉजिटिव होने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो और 90 के बीच में होने चाहिए। जीरो और 90 के बीच में होगा मतलब अगर ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा फोर्स है, यहाँ पे है ये थीटा, दैट इज थीटा लेस देन 90 डिग्री। जब भी होगा थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए वर्क डन जो होगा इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन दिया हुआ, क्या तुमने कभी देखा कि वर्क डन तुमने कैलकुलेट करा और आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये एक सिचुएशन है। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो कुछ कि कब वर्क डन पॉजिटिव होता है? अच्छा, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब हम कोई टेबल को धक्का दे के डिस्प्लेस करता है, टेबल को धक्का दो, ठीक है, किसी भी चीज को पुल या पुश कर रहे हो, उस पुल और पुश के चलते अगर मोशन हो रहा है बॉडी का, तो तुमने जो वर्क डन करा है बॉडी पे, दैट वर्क डन इज व्हाट? पॉजिटिव वर्क डन। तुमने धक्का दिया, बॉडी मूव करा, तो उसमें जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो एंगल होगा दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री, और वहां से वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो एग्जांपल लिख सकते हो वर्क डन कोई भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता हो तो उसमें तो पॉजिटिव ही होगा। क्या बोल रहे सर? कोई बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें भी काम कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता तो वो तो पॉजिटिव वर्क होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, किसके चलते वर्क? कोई एक्सटर्नल, कोई बॉडी के चलते। हाँ, अगर किसी बॉडी को अगर खींच रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसका फोर्स के डायरेक्शन में, तुम्हारे फोर्स के डायरेक्शन में होगा तो दैट वर्क इज पॉजिटिव। लिख लो, क्या बोल रहे थे? वर्क डाउन इन अ बॉडी, वर्क डाउन इन अ बॉडी, वर्क डाउन ऑन अ बॉडी बाय पुल और पुश फोर्स, वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय पुल और पुश फोर्स इज पॉजिटिव। पुल और पुश फोर्स है तो वहां से जो वर्क डन होगा इट विल बी पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वर्किंग का। बी केस है तुम्हारा, नेगेटिव वर्क डन। अब वर्क डन नेगेटिव कब होगा? यहीं पे ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज योर एस, लेकिन इस बार जो एंगल बन रहा है यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे ये एंगल क्या हो जाए, इस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से जैसे ही ज्यादा, 90 से छोटा था तो क्या हो रहा था? पॉजिटिव वर्क डन था। 90 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक कार है, ठीक है ना, कार आगे की तरफ चल रहा है और कार को तुम पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो, ठीक है ना, कार क्या रहा है, कार का इंजन ऑन है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? पीछे की तरफ अगर उसको पुल कर रहे हो तो तुम्हारे चलते जो वर्क डन होगा कार पे दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी नेगेटिव। कार किधर मोशन कर रहा है? इधर, तुम इसको इधर से इधर खींच रहे हो, तो जो कार का डिस्प्लेसमेंट है, जो तुम्हारे फोर्स का डायरेक्शन है, उसमें जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज व्हाट? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तुम कार पे जो वर्क डन कर रहे हो दैट वर्क डन इज व्हाट? नेगेटिव, क्योंकि वो कार के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। सारी बात समझ में? इसलिए ऐसे केस में वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका कोई एग्जांपल बता सर? कोई बॉल को ऊपर छोड़े तो ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में, ग्रेविटेशन फोर्स के रेस्पेक्ट में वो बॉल को अगर ऊपर फेंक रहे, हां बॉल को अगर ऊपर फेंक रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल, बॉल पे किसका वर्क? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो होगा इट विल बी
नेगेटिव, क्योंकि अगर देखो ध्यान से तो बॉल जा रहा है ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, दोनों में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, और कॉस 180 नेगेटिव होता है, इसलिए वर्क डन क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। और नेगेटिव वर्क डन मोस्ट ऑफ द केसेस जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के केस में हम बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्क देखते हैं। जैसे तुम स्लाइड कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तुम उसको स्लाइड करने के लिए पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, लेकिन नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो भी तुम्हारा मोशन स्लाइडिंग मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्रिक्शन काम करता है, तो वर्क डन बाय जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज व्हाट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तुम बॉडी को धक्का दे रहे हो, बॉडी को वो किधर धक्का दे रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे, जीरो वर्क डन। सी इज जीरो वर्क डन। अब वर्क डन जीरो कब होगा? देखो वर्क डन जीरो करने के जीरो बार 90 डिग्री हो एंगल। वर्क डन जीरो करने के तीन तरीके हैं। वर्क डन जीरो करने के कितने तरीके हैं? बॉडी पे फोर्स ही नहीं लग रहा, वर्क जीरो, ये एक तरीका है। फोर्स लगा बॉडी पे, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वर्क जीरो। बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में अगर एंगल जो है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में भी जो तुम्हारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो या तो फोर्स जीरो करो, फोर्स जीरो, वर्क डन जीरो, फोर्स लगाया तुमने, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वर्क डन जीरो हो गया, और फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, मतलब फोर्स एंड इस परपेंडिकुलर। जैसे कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो जो जो भी तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स तो है वहां पे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, स्टिल दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो जाता है कितना, 90 डिग्री, वर्क होता है जीरो। जैसे सन जो है, सन और अर्थ क्या हो रहा है, अर्थ सन का चक्कर कट रहा है, ठीक है, जो भी तुम्हारा है तो चक्कर जो काट रहा है ना उसके चलते क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। उस सेंट्रीपिटल फोर्स में और जो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पॉइंट पे देखोगे टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन अर्थ पे लगा रहा है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है अर्थ पे। वैसे ही जो अर्थ है हमारा, अर्थ मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसके चलते वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई वर्क नहीं होता है, जीरो वर्क डन होता है। समझ में आ रही है बात? तो इसके नीचे इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो, वर्क डन बाय इस वाले केस के लिए बोलना, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी moving on a body moving on circular path is always zero। क्योंकि अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, इस पे कोई बॉडी अगर गोल गोल घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इधर होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एफ सी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है कि अगर कोई कूली है, कूली ने क्या करा है, हेड पे लगेज रखा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, लगेज रखा हुआ है और किधर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय कूली कितना होगा, जीरो। कूली कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब वो हेड पे लगेज रख रहा है तो फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, ऊपर की तरफ, नॉर्मल एक्शन आएगा है नहीं, और जो लगाएगा वो ऊपर लगाएगा ना, कूली लगेज पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, और मोशन किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री,
इस केस में, मतलब जो पुल, जो भी पुली है तुम्हारा, तुम्हारे लगेज पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया, समझ में आ रहा है सर? सर पुली का केस मैन स्किल लेके चल रहा है तो उसमें वर्क डन जीरो होगा। क्या 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 बोल रहे हो? कोई भी मैन सर सूटकेस लेकर चल रहा है तो उसमें तो वर्क डन जीरो होगा। वो सेम चीज है ना, कूली हेड पे लगेज लेके चलो या हैंग करके चलो सर। पुली का सर बारे में सर क्या बोले एक बार बता देंगे सर? कट गया। पुली के बारे में क्या बोलने ना, देखो पुली जो है वो लगेज पे फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, हेड पे रखा है लगेज पे किधर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, वो चल कहा रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, इधर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो लगेज पे जो कूली है वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कितना का वर्क डन हो रहा है, सॉरी फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वर्क डन कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। आ रही बात समझ में सर? आगे आगे बढ़। हाँ बोलो सर। फिर एक क्वेश्चन पूछो। बोलो। अगर कूली कोई काम ही नहीं कर रहा तो फिर तो उसको उसका वैल्यू भी नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं मत बोलना, क्योंकि वही तो स्टार्टिंग में बताए थे, रियल लाइफ में जो वर्क है और फिजिक्स में जो वर्क डन है उसका अलग अलग मीनिंग है। जैसे रियल लाइफ में पढ़ने को काम बोलते हैं, टीवी देखने को भी काम बोलते हैं, ठीक है, बात करने को भी क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं। फिजिक्स जानता है उसको अगर बोले तो, अगर फिजिक्स जानता है तो फिर वो कूली क्यों बनेगा? वो भी सही है। इशारा मेरी तरफ कर रहे हो क्या कि सर कूली बन जाइए? नहीं नहीं सर एकदम नहीं। अगर वो तो, ये तो बचपन का सवाल है ना, बचपन तो सभी पढ़ते, ये तो 8-9 का सवाल है। नहीं नहीं, जो जो 10th तक भी पढ़ा होगा बेचारा चाहेगा कि कूली नहीं बने। चलो एक और सवाल करते हैं। ये जो सवाल है बेसिकली ये मैथ और फिजिक्स का मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, अजीब सा कॉम्बिनेशन। लिखना, इफ फोर्स इज एक्टिंग अलोंग अ लाइन, इफ फोर्स इज एक्टिंग अलोंग अ लाइन, if a force is acting along a line r vector is equal to 2i cap plus 3j cap, if a force is acting along a line r vector is equal to 2i cap plus 3j cap, and due to this force, and due to this force, तो ये फिर r vector क्यों, f vector नहीं होगा? नहीं, ये force जो है किस line के along काम कर रहा है उसका vector है। okay, जैसे इसको बोलते हैं ना line of force, तो ये force नहीं बता रहा, force किस line के along लग रहा है। जैसे ये तुम्हारा coordinate system है, ठीक है, x इधर, x इधर, y, इस line के along force लग रहा है, मतलब force इस लाइन के पैरेलल है, तो हम उस फोर्स की वैल्यू नहीं बता रहे हैं, तो लाइन है ना, उस लाइन का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब ये जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2i plus 3j, फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, कितना लग रहा है वो हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, बस उसका डायरेक्शन बता करके रखा हुआ कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस आर वेक्टर के अलोंग लग रहा है, वही तुमको दिया हुआ है कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग अ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus 3j। इसका मतलब ये नहीं कि इसको फोर्स समझ लेंगे, ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, समझ में आ गया? एंड इट डिस्प्लेसेस, एंड इट डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, एंड इट डिस्प्लेसेस ड्यू टू, अच्छा वो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया क्या? हाँ सर, ड्यू टू बोल, ड्यू टू बोल रहे थे, ड्यू टू दिस फोर्स आया क्वेश्चन बना रहे थे, वो बीच में तुम बोल लिए तो वो गड़बड़ हो गया। ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग, ड्यू टू दिस फोर्स ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट is displaced along a straight line given as kx plus, straight line given as kx plus 5y is equal to 2. Displaced along a straight line given as
एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू टू, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिधर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ। देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ वर्क डन इज जीरो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ वर्क डन इज जीरो, वैल्यू ऑफ के इफ वर्क डन इज जीरो। इसमें जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाए थे तो वहां पे बताया थे कब लाइन पैरेलल होते हैं, कब लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, उसका कंसेप्ट यूज होगा यहाँ। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे दो स्ट्रेट लाइन कब पैरेलल परपेंडिकुलर, उनका कंडीशन क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा ये सवाल। सबको समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? फोर्स किधर लग रहा है, किस लाइन पे लग रहा है, वो तुमको दिया हुआ है। उस फोर्स के चलते बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है वो भी तुमको दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसके चलते क्या हो रहा है, जब वर्क डन तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो जीरो आ जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे इस के की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आया? ठीक है, अब देखो फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर इसके परपेंडिकुलर हो जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, इसके परपेंडिकुलर हो जाए, तब जाकर के तुम्हारा वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के। तो ये जो फोर्स है ना ये किधर है, इस वेक्टर के अलोंग है। और ये जो स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया था ना तुमको, क्या होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? y = mx - 10/3 माइनस 10/3 10/3 देखते हैं is equal to minus 10/3, एक बच्चे का आंसर है, बाकी का देख। चलो अब समझते हैं। मैंने बोला था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव वन होता है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उनके स्लोप का जो भी प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, नेगेटिव वन होगा। अब यहाँ दोनों लाइन परपेंडिकुलर क्यों हो गए वो समझ में आया? वो कहां से आया? फिजिक्स से आया। फिजिक्स क्या बोल रहा है, वर्क डन नेगेटिव कब होगा? फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब दोनों में एंगल कितना हो जाए, जीरो, 90 हो जाए, दोनों में एंगल कितना हो जाए, 90। तो ये तुम्हारा फोर्स जिधर एक्ट कर रहा है वो, ये तुम्हारा लाइन जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन जीरो होगा। अब इस लाइन के अलोंग इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस इक्वेशन से। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दूसरा लाइन जो दिया है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है। अब इन दोनों का अगर स्लोप पता करो और उस स्लोप को मल्टीप्लाई करो, वो माइनस वन के बराबर होगा, वर्क डन कितना होगा, जीरो। नहीं समझ में आया? अब काम करते हैं, पहले इसका स्लोप देखेंगे। इसका स्लोप अगर देखोगे इट विल बी, इसका स्लोप होगा वाई बाई एक्स माइनस के बाई। जब भी तुमको आर दिया होगा, समझ लो आर वेक्टर ऐसे दिया होगा और बोलेगा इसका स्लोप बताओ, आर वेक्टर दे करके, इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। अगर आर वेक्टर दे दिया और तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड द स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, वाई बाई एक्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे ये एक्स ये वाई, इस लाइन के अलोंग अगर देखोगे तो ये लाइन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, टू आई प्लस थ्री जे से। तो अगर ज्वाइन करोगे एंगल जो बनेगा यहाँ पे थीटा, इट विल बी वाई बाई एक्स। समझ में आ रहा? इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा, वाई बाई एक्स। इसको जब ज्वाइन करोगे तो वेक्टर और पॉइंट का वेक्टर कैसे होता है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो लाइन से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट जो है उसका लोकेशन जब बताते हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर तो किससे ज्वाइन करते हो, लाइन से ज्वाइन करते हो। और ये जो लाइन है, ये जो तुम्हारा लाइन है, ये किससे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब ये कहने का मतलब है ना कि जो तुम्हारा वेक्टर है दैट इज पासिंग थ्रू टू एन
टू एंड थ्री पॉइंट, जो भी तुम्हारा वेक्टर है ना वो कहां से पास कर रहा है, टू और थ्री से पास कर रहा है, तब ये अगर जीरो होगा, जीरो जीरो होगा और ये तुम्हारा टू थ्री होगा, तभी तुम ये इक्वेशन लिख पाओगे ना, एंड दैट लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट, यस सर इक्वेशन, समझ में आ रही है बात। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है, एक लाइन है जो किधर है, ओरिजिन से बाहर की तरफ देखता है। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसा लाइन, देखो ये जो तुम्हारा है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो फोर्स है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला नहीं है ना, कौन सा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला नहीं है, वो डायरेक्शन की जरूरत हमें है कि हमें फोर्स किधर काम कर रहा है। ये जो ये क्या बता रहा है, दिस इज बेसिकली टेलिंग कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस द फोर्स इज एक्टिंग इन अ वेक्टर व्हिच इज इन द डायरेक्शन 2i, 3 2i + 3 जे, ये जो फोर्स है वो किधर की तरफ लग रहा है, इस लाइन के अलोंग लग रहा है, इस लाइन के अलोंग लग रहा है। तो इस लाइन को अगर वेक्टर फॉर्म में तुमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पोजिशन वेक्टर व्हिच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2 and 3, समझ में आ रहा है, जिसको हम कैसे लिख रहे हैं, बस इस तरीके से। अब जब ये दिया होगा ना तो यहां से स्लोप कैसे निकालते हैं, जब आर वेक्टर देगा तुमको, पोजीशन वेक्टर मतलब लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये क्या है तुम्हारा वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है, पॉइंट नहीं बोलेंगे इसको, ये वेक्टर है, इसको पॉइंट कैसे बोल सकते, ये क्या है, एक वेक्टर है जो बता रहा है कि डायरेक्शन किधर होगा इसका, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, और ये जो वेक्टर है वो पास कहां से करेगा, वो 2 and 3 से इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये वेक्टर का अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता 1i या i+j, तो तुम क्या समझते, इट इज अ वेक्टर व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 and 1, समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर 2, 3 से पास कराओगे, 1, 1 से पास कराओगे, 5, 3 से पास कराओगे, तो लाइन क्या होगा, अपना पोजीशन शिफ्ट करेगा, जिसके चलते एंगल जो बन रहा है वो क्या होगा, चेंज होगा, ये देखो क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो अगर एंगल चेंज हो रहा है मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो बेसिकली ये आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका स्लोप कितना होगा, m = y/x, तो y कितना है 3 है, x कितना है 2 है, स्लोप कितना आया 3/2, समझ में आया, फोर्स जिधर लग रहा है वो कितने एंगल पे लग रहा है, वो x एक्सिस से, ये तुम्हारा स्लोप दे रहा है, इतना समझ में आया। और इधर क्या कर दिया, जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, वो बताया कि कितने एंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन से स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है, वो जो डिस्प्लेसमेंट, ये तरीका है, ये अलग अलग मैं दे सकता था, मतलब इसको भी आर वेक्टर के फॉर्म में दे सकता था, डिस्प्लेसमेंट को भी आर वेक्टर के फॉर्म में दे सकता था, या इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दे सकता था और इसको भी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दे सकता था, दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे करवाता तो 3 सवाल करवाने पड़ते, इसलिए मैंने इसको एक अलग तरीके से करा, वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुमको चाहिए तो इधर करते हैं, ये तो एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ, यहाँ से भी तुम स्लोप निकाल सकते हो, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, -k/5, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें पहले इससे कंपेयर किससे करना होगा, y = mx + c से कंपेयर करना होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, -k/5x + 2/5, तो m की जगह क्या है तुम्हारा, ये इसको मान लो m1, इसको मान लो m2, तो m2 जो होगा इट विल बी -k/5, सबको समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो निकालने आता है ना सबको, ऐसा नहीं कि अब ये मत बोल देना कि सर स्ट्रेट लाइन के भी स्लोप नहीं आता, कंफ्यूजन इधर होगा, हमको पता था कि क्योंकि ये फॉर्म हमने एक्सप्लेन नहीं करा था तुमको कि स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो है डायरेक्शन के साथ, ठीक है, ये तुम्हारा दो स्लोप, अब दोनों जो स्लोप है दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 कितने के बराबर, -1 के बराबर, तो 3/2 × -k/5, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए -1 के बराबर, सॉल्व करो कितना होगा, k = 10/3 के बराबर, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं सर, टाइम बचा,
हो गया सर, हो गया, टाइम हो गया। तो फोर्स ऑलमोस्ट, ये वर्क डन जो है ये हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया कि वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस किस टाइप। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें वर्क डन पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स के चलते, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते और फ्रिक्शन के चलते। फ्रिक्शन के चलते वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, वो पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोल लो, नहीं तो फिर निकलते। किसे कुछ डाउट है? और अब दशहरा पूजा वूजा खत्म हो गया तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जो भी तुम्हें मॉड्यूल से डाउट हो रहा है वो पूछ सकते हो, ग्रुप में डाल सकते, ठीक है ना। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।